ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਵਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੇਪਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਲੀਵਸ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੀਵ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਅੰਗੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਵੀਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫੈਵੀਕੋਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੰਗੂਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੇਮ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੌਂਡਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗਰੇਪਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 3D ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਪਸ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹਾਂ
ये फेविकोल नाल मैं लिता और ब्रश दी बैक साइड तो लगा रही हूँ। ये हूँ साडा जिहड़ा ग्रेप्स दे नाल बनिया पॉट जिहड़ा साडा वो कंप्लीट हो चुका है। बस जो ये सुक जाएगा उस तो बाद असी कलर करना शुरू करांगे। ये असी हूँ ग्रेप्स वाला जिहड़ा छोटा जिहा पॉट जिहड़ा असी तैयार कर लिया, इनू हूँ असी सारे नू वाइट कलर जिहड़ा है इत्थे बेस इहदा असी वाइट कलर जिहड़ा कर लेना। स्पंज दे नाल असी इसनू सारा वाइट कलर ये उत्ते भी दे देना, जिदे नाल इहदी फिनिशिंग जिहड़ी है वह ज़्यादा वधिया आऊगी। ये सारे असी पर इनू डबल कोट करना है, सारे नू असी डबल एक सिंगल करके थोड़ी जी वेट कर लेनी है, इस तो बाद असी डबल कोट करना है। इस तरह असी सारा ये जड़ा है पॉट असी इसनू कर लेना पेंट। ये असी की कहते हैं जड़ा ग्रेप्स वाला इंबोस किया होया पॉट है वह असी ले लिया, वाइट कलर ये असी वाइट बेस कर लिया। हूँ इस तो बाद असी कलरिंग शुरू करनी है, इनू मैं तीन च डिवाइड करना है। पहला इतने ब्लैक कलर डार्कनेस देनी है, फिर इस दे मिड टोन दे विच असी कॉफी शेड यूज़ करांगे, इस तो उपर असी गोल्डन कलर करांगे। हूँ देखो ये पूरा ब्लैक कलर आ, ये ऑयल पेंट्स ने ब्लैक कलर है और मैं लिंसिड ऑयल ले लिया और इत्थे मैं इनू ब्लैक कलर लगाना शुरू करता। ये मैं इन्ना पोर्शन जड़ा है वह ब्लैक करांगी। असी जो भी जड़े असी पेंटिंग बनानी है जा पॉट बनाना है वो असी थलो स्टार्ट करना है, उपरों नहीं स्टार्ट करना, उपरों सानू फड़ना ईजी हो जाएगा और साडा की कहते नहीं जड़ा असी थलो करांगे उसकी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। इस तरह असी ये सारा जड़ा है वह ब्लैक कलर कर लेना। असी हूँ ब्लैक कलर जड़ा है वह इन्ना पोर्शन च कर लिया, इस तो उपर जड़ा पोर्शन करांगे असी बन सैना कलर लवांगे, पर ब्रश नू साफ नहीं करना, वो साफ नहीं करना असानू कॉफी शेड चाहिए इतने, इस करके मैं ब्रश नू साफ नहीं किया। देखो सिर्फ कलर लवांगे लिंसिड ऑयल और नाल ही असी कलर ले लिया। ये हूँ कलर असी इन्ने पोर्शन तक जड़ा है वो असी कॉफी शेड ही रहन देंगे। इस तरह असी ये सारा जड़ा घेरा है इसे कलर का असी कर लेंगे। ये असी दो कलर कर लेने ब्लैक और कॉफी शेड, हूँ असी इस तो बाद गोल्डन कलर करांगे। ये असी गोल्डन डस्ट लिती आ, ये वाली गोल्डन डस्ट आ और ये असी लिंसिड ऑयल पाया है, ये विच ये लिंसिड ऑयल पाया है। इस तो बाद असी इनू मिक्स कर लांगे अच्छी तरह। ये देखो असी इनू मिक्स कर लिया, मिक्स करन तो बाद असी इनू इहदे उत्ते यूज़ करांगे। आ देखो ये जो है ये असी इस दे उत्ते यूज़ कर लिया। ये सारा पोर्शन जिहड़ा असी उपर वाला गोल्डन करांगे। इस तो बाद असी कलर जड़े आया असी
ग्रेप्स और लीव्स दे विच दवांगे। पहला इन्नू सारे नू असी गोल्डन कर लांगे। ये असी सारा गोल्डन कलर जिहड़ा है वह कर लिया। तो हुण जिहड़ी ये फर्स्ट फीलिंग्स हुई ने, फर्स्ट फीलिंग हो गई, इहदी सैकेंड फीलिंग फिर दोबारा करनी है जो ये थोड़ा जिहा ड्राई हो जाएगा। हुण असी जिहड़े आ सैप ग्रीन कलर और लैमन कलर लैके, लैमन येलो कलर लैके असी हल्के हल्के दे जिहड़े आ अंगूर बनावांगे। अंगूरां दे उत्ते असी रंग करांगे। इहदे विच सिर्फ असी डायरैक्ट कलर ही लगावांगे, लाइट एंड शेड नहीं हजे देनी। इस तरह असी सारे जिहड़े आ ये अंगूर ने वो असी बना लांगे। हाँ देखो ये कलर है जिहड़ा असी लगा रहे हैं, इस तरह असी सारे अंगूरां दे लगा लांगे। असी हुण ये ग्रेप्स भी कर ले और लीव्स भी जिहड़ियां वो कलर्ड कर लिया ने, ते ये हुण असी सुकण वास्ते रख दिंदे आ। जदों ये चंगी तरह सुक जाएगा फिर असी इहदे ते दोबारा कोटिंग करके लाइट एंड शेड देवांगे। ये हुण असी लाइट कलर लैमन कलर ले लिया, लैमन दे नाल असी सैप ग्रीन और नाल ही वरेडियन कलर ले लिया। असी ये तिन्हां दा मिक्सर करके ये असी इहदे ते लाइट कलर दे उत्ते देना शुरू करता। लाइट वाला जिहड़ी है पत्ती उहदे उत्ते देना शुरू करता। हाँ देखो इस तरह ये सारी पत्ती जिहड़ी है, पत्ती और जिहड़ियां ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। सेम इधरली साइड ते उस तरह ही कर लेना। लेमन शेड और इतने असी थोड़ा जा क्रिमजन और लवा ओ सॉरी कैडमियम येलो लवेंगे। ये थोड़ा जा असी सैप ग्रीन दे ब्राइटनेस आएगी। ये हुण असी ग्रेप्स दी इनर साइड ते करांगे, ये छोटे ब्रश ना करांगे। ये विच वाली साइड ते असी ग्रेप्स दी शुरू करांगे। थोड़ा जिहा असी बरीकी च काम करांगे ये ग्रेप्स दे उत्ते, जिहड़ी इनर साइड है उहदे विच असी ये इस तरह जिहड़े है सारे, क्योंकि ये इत्थे थोड़ी जी लाइट घट पैंदी है डार्क लगदे ने। इस तरह सारे जिहड़े बाकी ने जिहड़े डीप वाली साइड है उत्थे असी यही रंग करदे जावांगे। ये असी कैडमियम येलो ले लिया, लैमन येलो दोनों नूं मिक्स करके हुण असी हाईलाइट्स दवांगे। थोड़ा जिहा वाइट दा टच भी लवांगे। आ देखो इत्थे असी ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਸ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ।
सारे कलर्स लगा रहे हैं इसनों फिर इस कलर नू बाद दे विच्चों असी मर्ज कर दांगे। सारे ग्रेप्स के उत्ते कलर्स लगा रहे हैं। ये कलर लगा लिया हूँ असी इस मर्ज करना शुरू कर देंगे। ये आपस के बीच ये दोनों कलर्स ने एक दूसरे के नाल इस तरह मर्ज हो जाएंगे। इसी तरह सारे कलर्स एक दूसरे को जिन्हें भी ग्रेप्स बनाए असी ये जो कलर है वो एक दूजे नाल मर्ज कर देंगे। ये असी हुण ग्रेप्स के जिहड़े कलर है एक दूसरे के विच मर्ज करते ने इस तरह पत्ते भी बन गए ने। हुण असी एक गोल्डन डस्ट का एक ब्रश लवेंगे इनू सिर्फ ये उपर ही लगावेंगे। एक ब्रश लैके असी ये उत्ते सिर्फ गोल्डन इफेक्ट ही दवांगे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है। ये साडा जिहड़ा है ग्रेप्स का पॉट जिहड़ा तैयार हो गया है। ये उत्ते असी जिहड़ी क्ले नाल क्ले दी जिहड़ी पुट्टी बनाई सी उहदे नाल ग्रेप्स बनाए और ग्रेप्स नाल पूरा जिहड़ा साडा छोटा जिहा पॉट है फ्लावर रखण वास्ते साडा तैयार हो गया।